और थोड़ी ही देर में मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगी टीम इंडिया। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का इंतजार किया जा रहा है। मुंबई नरीमन पॉइंट में से विक्ट्री परेड होगी। विश्व कप T20 ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश लौट आई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सुबह जब टीम इंडिया उतरी तो उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने टीम का भव्य स्वागत किया। टीम इंडिया ने भी चीयर्स करते हुए जीत की ट्रॉफी दिखाई। वहीं इस भव्य स्वागत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची। दिल्ली 7 रेस कोर्स रोड पर रोहित शर्मा हाथ में जीत की ट्रॉफी के साथ पहुंचे। पीएम मोदी ने एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात की और T20 विश्व कप जीत पर बधाई दी। तो अब इंतजार जो है वो मुंबई में हो रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्लोगन लिखे हुए, हाथ में भारत का झंडा लिए हुए लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं टीम इंडिया का। तो 4 बजे ही फैंस चैंपियन और ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से टीम इंडिया सीधे होटल पहुंची। इसके बाद टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उनके आवास पर पहुंची थी। ये आज सुबह से हम बता रहे हैं क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं। तो अब जश्न का अगला कार्यक्रम जो है वो मुंबई में होने जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम खुली बस में सवार होकर विजय जुलूस निकालेगी। इस खुली बस की तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीरें भी टीम हम आपको दिखा चुके हैं इंडिया न्यूज, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। देखिए मुंबई में जो भारतीय टीम का कार्यक्रम है जारी है, दिल्ली के बाद अब टीम इंडिया का इंतजार मुंबई के लोग कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ वानखेड़े स्टेडियम पर ही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडियन टीम की जो बस है वो यहाँ से निकल चुकी है, जो NCC में जाएगी कुछ ही समय में। यहाँ पर जो इंडियन टीम है वो यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँचने वाली है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए किस तरीके से जो लोग उमड़ गए हैं यहाँ पर सिर्फ एक झलक पाने के लिए। जो इंडियन क्रिकेटर्स है जिन्होंने ये जो ट्रॉफी है ये जीत कर लाई है, इसी एक को झलक पाने के लिए लोगों की जो टीम है यहाँ पर लोग उमड़ गए हैं। यहाँ पर जो बारिश है, बारिश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो यहाँ पर कहीं पर भी कम नहीं पड़ रहा है। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं लोग हैं अभी भी लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो यहाँ पर कम नहीं होते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए लोग यहाँ पर हजारों लाखों के तादाद में आए हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में जो है इंडिया टीम आने वाली है। फिलहाल जो इंडियन टीम है वो प्रथमेश आपके पास आएंगे। नीतीश शाह मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या जानकारी है, कितनी देर में टीम इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी? देखिए समय के मुताबिक जो है 4 बजे का समय दिया गया था टीम इंडिया के यहाँ लैंड होने का मुंबई में, लेकिन जो है कुछ देरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफ़ी जो है थोड़ा समय जो है देरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर फैंस लगातार जमा हो रहे हैं। लगातार जो है इस एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर जहाँ से जिस अराइवल से बाहर टीम इंडिया आएगी वहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर क्रिकेट फैंस मौजूद हैं। ये बैरिकेडिंग आप देख रहे रहेंगी, ये बैरिकेडिंग जो है ये बैरिकेडिंग अलग अलग तरीके से जो है लगाया गया है, फैंस को थोड़ा दूर रखने की कोशिश जो है की गई है, लेकिन जो है अब से थोड़े से ही समय में यहाँ से जो है इंडियन क्रिकेट टीम बाहर आएगी। और यहाँ जो पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त भी आप तस्वीरों में देख सकती है किस तरीके से पुलिस सुरक्षा बल मौजूद है, CISF के जो जवान है वो मौजूद है। यहाँ से इसी गेट से जो है टीम इंडिया निकल कर सीधा इस बैरिकेड को पार करती हुई बाहर जो बस वहाँ अराइवल पर लगी हुई है वहाँ पर उस बस से आएंगे। लेकिन मुंबई में फैंस कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, सुनिए जरा। नीतीश अपनी बात पूरी करिए। नीतीश अगर फैंस वहां पर मौजूद है तो उनसे भी जरा बात करिए, कितना एक्साइटेड है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है फैंस मौजूद है, इस तरफ मैं आपको लाऊंगा यहाँ पर जहाँ से टीम इंडिया बाहर जाएगी। आप लोग टीम इंडिया को स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे, कितना एक्साइटेड? लोग बहुत एक्साइटेड, 5 घंटे से हम लोग खड़े, 13 साल के बाद इंडिया जीत के आ रहा है वर्ल्ड कप, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। आप देख सकते हो लोगों को, इंडिया। यहाँ पर तिरंगा लेकर भी लोग पहुंचे हैं। 5-5 घंटे से 6-6 घंटे से जो है इंतजार लोगों की
भी जारी है एक झलक के लिए यहाँ पर, एक उस झलक के लिए अपनी टीम को देखने के लिए जो 13 साल के बाद इतिहास रचा गया है टीम इंडिया के तरफ से, जो कप उन्होंने जीता है उस कप की एक झलक के लिए, अपने टीम इंडिया की एक झलक के लिए यहाँ पर काफी लंबे समय से जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं। अब से ऐसा बताया गया, अब से थोड़े से समय में जो है यहाँ से टीम इंडिया बाहर आएगी, जिसके बाद मुंबई के मरीन ड्राइव में विक्ट्री परेड होगा। आप लोग मुंबई के मरीन ड्राइव में विक्ट्री परेड में भाग, हम लोग जाने वाले यहाँ से, हम लोग वहीं जा रहे हैं डायरेक्ट, बाइक लेके आया हूँ मैं अपना, बाइक से सीधा वहाँ जाऊंगा मैं। और लगातार जो है चारों तरफ से जो है क्रिकेट फैंस जो है वो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि बीते 4 घंटे से 5 घंटे से जो है यहाँ पर फैंस इंतजार कर रहे हैं उस एक झलक के लिए। क्योंकि देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया सिर्फ एक गेम नहीं है या स्पोर्ट्स नहीं है, इंडिया में क्रिकेट जो है सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, जज्बात है लोगों की मैच के साथ, क्रिकेट मैच के साथ जो है जज्बात जुड़ी हुई है। इसलिए जब कभी ट्रॉफी जीती, अब 2007 की बात कर लीजिए, 2007 में जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में जो है टीम इंडिया ने T20 पहली T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने अपने नाम की थी, जिसके बाद जो एक भव्य विक्ट्री परेड उस समय भी निकाली गई थी, उस समय भी लोग बेहद खुश, क्योंकि ठीक थोड़े समय पहले 2007 में इंडिया जो है वनडे वर्ल्ड कप, यहाँ पर मैं और भी फैंस से बात करूंगा। अंकल कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है, इससे पहले कभी ऐसी खुशी नहीं हुई जो 13 साल इंडिया ने जो कप लाए। मैं नासिक से आया हूँ, नासिक से आया हूँ। देख आप कहाँ से आए? कामोटे, नई मुंबई। नवी मुंबई से आए, तो मुंबई के अलग, मुंबई नहीं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से कह लीजिए, क्योंकि नासिक से, नवी मुंबई से, भारत से, बेंगलोर से, अलग अलग जगह से जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, तिरंगा लेकर, पोस्टर लेकर जो है पहुँचे हुए हैं, और काफ़ी लंबे समय से जो है लगातार इंतज़ार यहाँ पे सारे क्रिकेट फैंस की जो है वो जारी है। उस तरफ जो है बैरिकेडिंग लगाकर जो है एक रास्ता बनाया गया है क्रिकेट टीम के लिए, जिस रास्ते से क्रिकेट टीम जाएगी, और बैरिकेड क्रॉस करते ही वहां पर जो है एक बस, अपोलो बस जो अरेंज की गई है यहां से NCA के लिए, जहां से विक्ट्री परेड निकाली जाएगी वहां पर वो बस जाएगी, उसके बाद ओपन बस में टीम इंडिया जो है वो एक विक्ट्री परेड निकालेगी, जिसमें सारे इंडियन प्लेयर्स जो है वो मौजूद रहेंगे कप के साथ, उस कप के साथ जिस कप के लिए काफी लंबा इंतजार टीम इंडिया के साथ साथ सारे देशवासियों ने किया है, सारे इंडियन क्रिकेट फैंस ने किया है, चाहे वो किसी उम्र के हो, छोटे से बड़े, हर एक भारतीय के दिल में जो है सिर्फ एक ही आस लगी रही है शुरुआत से, और लगातार इंडिया इंडिया के जो है नारे यहाँ पर लग रहे, वंदे मातरम महाराष्ट्र में, क्योंकि गणपति का एक फेस्टिवल जो वो होता है और उसमें जो गणपति पप्पा मौर्या के नारे लगाए जाते हैं वो यहाँ पर काफी देर से जो है गणपति पप्पा मौर्या, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाकर लगातार लोग अपनी टीम इंडिया के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। अभी दिखाते रहिए तस्वीरें नीतीश, और फ्रेंड्स से बात करते रहिए, कितना एक्साइटेड है। देखिए 11 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, और 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार विजेता बनी है टीम इंडिया, और अपने आप में ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, जब आज ही वापस आए हैं प्लेयर्स। जी जी बिल्कुल, देखिए ये 2014 सेमीफाइनल हमारे, 2014 फाइनल हमारे, 2015 सेमीफाइनल हमारे, एक के बाद एक बहुत बेहतरीन, हालांकि जो पिछले विश्व कप के जो मैचेस रहे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो है टीम इंडिया करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं सेमीफाइनल और फाइनल में जाकर जो है कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक काला दिन जो है लगातार बीते टूर्नामेंट्स में देखने को मिला, लेकिन इस बार जो है 2024 में टीम इंडिया ने अपना झंडा जो है बारबाडोस में गाड़ा, और उसके बाद अब टीम इंडिया जब भारत लौटी है तो आज बेसब्री से सारे देशवासी जो है टीम इंडिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं और भी फैन से बात करूंगा, आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? पहले पार्ले से ही है। कितने कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत एक्साइटेड हैं। डोंगोली से आए, डोंगोली से आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं
महिलाएं भी है, बच्चे भी है, हर उम्र के क्रिकेट फैंस यहाँ पर लगातार मौजूद है सिर्फ एक उस झलक के लिए कि जब क्रिकेट टीम, जब टीम इंडिया, विजेता टीम इंडिया जब इस दरवाजे से बाहर निकलेगी ट्रॉफी के साथ, तो उस समय टीम इंडिया को देखने के लिए, उस पल को जो है अपने मोबाइल में कैद करने के लिए, वो तस्वीर को हमेशा के लिए अपने मोबाइल में सजोने के लिए जो है लगातार फैंस यहाँ पर, और यही लम्हे जो है, यही पल जो है आगे जाके जो है एक इतिहास बनते हैं। जैसे 2007 में भी हमने देखा उस समय का वो भव्य परेड, वो क्रिकेट यंग MS धोनी के अगुवाई में जीती हुई टीम इंडिया जो थी, उसका उत्साह था। उसके बाद ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप आपके पास में आऊंगी, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। आप तस्वीरें भी दिखाइएगा, तैयारियां भी दिखाइएगा, और किस तरह से फैंस जो हैं वो उत्साहित हैं टीम इंडिया को अपने बीच पाकर, ट्रॉफी को देखकर, क्योंकि 11 साल का इंतज़ार चैंपियंस ट्रॉफी का ख़त्म हुआ है, और इसके साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बेहद ख़ास हैं, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन टीम इंडिया को लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट चुके हैं, लगातार देखिए बस जो है वो भी मूव करना शुरू हो गई है, वही बस है जिन्होंने सपना पूरा किया है। भारतीय प्लेयर्स जो है वो टीम के अंदर, इस बस के अंदर मौजूद है। T20 सर, अगर हमको आज पूरा दिन भी खड़ा होना पड़ता तो हम बिल्कुल खड़ा होते, क्योंकि जोश इज हाई, क्योंकि 17 साल बाद अपने इंडिया जीता है, इसके लिए तो कुछ भी कुर्बान है सर। यस, जोश इज हाई, सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है। 17 इयर्स बाद वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, लास्ट टाइम MS धोनी सर ने जिताया था, अब अपने रोहित शर्मा लेके आए हैं वर्ल्ड कप, तो फीलिंग तो बता ही नहीं सकते कि कैसी है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ इज द जोश, हाय हाय, कैसे अपने कप्तान का स्वागत कर रहे हो? अब तो इंद्रदेव मेहरबान है, बारिश भी हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, अपने कप्तान को चेयर करेंगे बहुत ज्यादा, भगवान भी कर रहे हैं उनके लिए, देखो बारिश बरसा दी, अपने कप्तान को बहुत ज्यादा चेयर करके स्वागत करेंगे, उनपे फूल भी बरसाएंगे, उनको ये अपनी ड्राइंग में दिखाएंगे। वहीं सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टीम इंडिया का काफिला होटल ITC पहुंचा। होटल में भारतीय टीम के लिए स्पेशल केक बनाया गया। मौके पर ITC मौर्य के एग्जीक्यूटिव शेफ शिवनीत पहोजा ने कहा, हमारी टीम ने एक केक तैयार किया है जो टीम इंडिया की जर्सी के रंग का है, ये ट्रॉफी के आकार का है। तो हमने जो केक प्रिपेयर करा है टीम ऑफ शेफ्स ITC मौर्य ने, ये टीम की जर्सी